सीट बेल्ट इसकी लगी है, को ड्राइवर की लगी है, राजस्थान पुलिस कह रही है पीछे वाले की सीट बेल्ट भी चाहिए हमें। तो यहाँ पे हो रहा है चालान 1000 रुपए का मार। भाई देख रहे हो क्या ही रास्ता है इधर की यार, प्रतापगढ़ से निकलते ही प्रतापगढ़ है ना ये, प्रतापगढ़ से निकलते ही क्या ही यहाँ पे सारी दुकानें पतंगी है क्या? हैं कितनी दुकानें पतंगी यहाँ पे? बहुत है। तो गाइस हम निकल चुके हैं राजस्थान की यात्रा पर। तो आपने स्टोरी ऑफ पोस्ट जरूर देखी होगी संपूर्ण भारत यात्रा। तो कश्मीर हमने घूम लिया है और झारखंड में हम सिर्फ एक ही जगह गए हैं वो धनबाद है, झारखंड दोबारा जाएंगे और उससे पहले हम जा रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों जगह हम पूरी करने वाले कवर। ठीक है, तो आप बने रहो हमारे ब्लॉग देखते रहो और यूट्यूब पर हमारा चैनल है UP20 Rider, वहाँ पर जाके सारे ब्लॉग अपलोड हो जाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखो और हमारे साथ में हमारे रतलामी भाई एंड ऑलवेज सौरभ ब्रो, सिर्फ 3 ही लोग हैं इतने बड़े हवाई जहाज़ में। तो मिलते हैं, अगर कोई भाई हमारा हो, कोई सब्सक्राइबर हमारा हो, कोई मिलने वाला भी हो राजस्थान से मध्य प्रदेश से, तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करना। ठीक है, धन्यवाद। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम पहुंच चुके हैं लगभग मुरादाबाद। मुरादाबाद हमारे घर से लगभग 40 किलोमीटर, तो ये डेस्टिनेशन हमने अचीव कर ली है और 8 बजे ही, और हम लगभग 12 या 1 बजे पहुंच जाएंगे जयपुर। ठीक है, फिर जयपुर से निकलते हैं सीधे रतलाम, वो भी यहाँ से 500 किलोमीटर, लगभग हमारी 1100 किलोमीटर की जर्नी है ये, और पहुँच के मिलते हैं आपको। जमा जम माहौल चालू हो गया है, रोड पर आ गए, दिल्ली पहुँचने वाले हैं। दिल्ली सिर्फ 80 किलोमीटर यहाँ से, या मैं चलते हुए सिर्फ और सिर्फ कितने देर हुई है, 1.5 घंटा हमारा, हम 8:30 पे निकले थे अभी और लगभग 10 बज गए, तो मैं 1.5 घंटे में, लगभग 2 या 2.25 घंटे में, 2.5 घंटे में दिल्ली हम पहुंच जाएंगे। भाई देख रहे हो क्या सही शॉट डिजाइन बनाया है, गजब की है वो, लग रहा उड़ने वाला है कोई यार है। मैं डर गया था एक दिन देख के, अचानक से मेरे सामने आ गए जी बैठे बैठे। रोड बड़ी ख़राब हो रही है इधर की, हम राजस्थान में एंटर कर गए हैं लगभग और चल रही आए 20 किलोमीटर, तो इधर की रोडें बहुत ख़राब हो रही हैं, इधर मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, अपनी तरफ तो धूप निकलनी स्टार्ट हो गई, लेकिन इधर अभी फॉग है और अच्छा खासा फॉग है, दिन के बजने 2:30, फिर भी यहाँ फॉगी फॉगी मौसम है पूरा। आ गए सूखे हुए पहाड़ और गाना भी चल रहा है यहाँ पर राजस्थानी वाला, बिलवाड़ा आ गई रे, बिलवाड़े जा रहे हैं ना अपने, पहले आएगा बिलवाड़ा, बिलवाड़े जा रहे हैं भाई, ये गाना ही वही लगा दिया है और पहाड़ ही मरे हुए हैं बिल्कुल सूखे हुए। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ मर गया है और मर के सूख गया है, मतलब हर जगह के पहाड़ी अलग है यार, इधर के पहाड़ी अलग है, उत्तराखंड का अलग है, हिमाचल का अलग है। सीट बेल्ट इसकी लगी है, को ड्राइवर की लगी है, राजस्थान पुलिस कह रही है पीछे वाले की सीट बेल्ट भी चाहिए हमें। तो यहाँ पे हो रहा है चालान 1000 रुपये का, मान नहीं रहे किसी कीमत पर। गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मतलब आप बाहर निकलोगे तो आपको चालान कटवाना ही है। देना सर, दिखाने की बात नहीं है, लेकिन ये चालान सर एक तरह का मुझे ऐसा लग रहा है जबरन चालान हो रहा है। जबरन हो रहे हैं, सही बात है, ये गाड़ियां खड़ी हैं, नंबर पे डाल देंगे अपन, बाद में पेमेंट कर देंगे, ऐसा थोड़ी है अभी पेमेंट करना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने चालान कर दो, इंदौर चलेंगे तो वहाँ कोई तुम्हें रोकेगा थोड़ी, तो फटाक से मैसेज आ जाएगा तुम्हारा चालान। करूँ नहीं करूँ पेमेंट यार बताओ, मेरी नजर में तो नहीं करना चाहिए तेरे को पेमेंट, इन्हें बोलो ऑनलाइन डाल दो, कर दूंगा जैसे आपको अच्छा लगे। अब वो तो आपने रख लिया हाथ में, तो आप ऐसी बातें करोगे? मैं कोई मेरे घर में सर, ऐसे ऐसे नहीं होता सर, अगर अगर सर यहाँ से अगर डाल दो, अगर यहाँ से गाड़ी भागती है, सिर्फ वो मेरे पास में स्पीड का चालान ऑनलाइन जाता है, बाकी जो चालान होते हैं ना उनका केस करना पड़ता है, पूछ लेना, हमने फाइन पे कर दिया। हाँ तो मिल जाओ सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 रुपये कर दिए, कुछ भी चल रहा है यार, सब चेकिंग हो रही है भाई, यहाँ पे सब पुलिस वाले खड़े हैं, इन्हें चालान से मतलब है, पीछे आदमी बैठा है, सीट पर नहीं लगाइए तो चालान कटेगा उसका, आगे लगाइए, टॉपिक देख रहा है ना कि किसने लगाई है, आगे लगी हुई है, कागज पूरे हैं, तो बोले पीछे वाले नहीं लगाइए उसका चालान कटेगा। तो अभी अपने फिलहाल में है जयपुर में, और जयपुर के बार बार अभी निकल रहे हैं, जयपुर सिटी में अंदर नहीं जा रहे हम, हाँ बार ही बार हम पास हो रहे हैं, हमें चित्तौड़ जाना है। और लेकिन यार भाई साहब क्या बताऊँ यार, दिल रोता है पुलिस वालों को देख कर यार, कभी कभी लगता है कुछ पुलिस वाले सही है, लगता है कि हाँ ठीक है सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऐसे पुलिस वाले मिल जाते हैं ना जो जिंदा हराम को उतर आए हैं, तो इतनी बद्दुआ निकलती दिल से कि इनके ये छोड़ो इनके बच्चे तक सारे उल्टे टेढ़े पैदा हो, और इसीलिए होते हैं इनके, तुमने देखा होगा जिंदा हराम कमाने वाले मिलेंगे ना ऐसे, सबके बच्चे टेढ़े पैदा होते हैं। तो
गाइस ये दिख रहा है सामने हमारा किला, किले की दीवार आ गई है। मैं क्या ही बताऊं यार, परेशान हो गया उन लोगों से यार, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, बाहर की गाड़ी देखी यूपी की, तुमने चालान करना है, मतलब नहीं कि तुम्हारा क्या, उन्हें कभी निकाली देनी है भाई, आगे देख लिया सब कुछ है। अच्छा पीछे वाले की सीट पर नहीं लगी थी, मैंने हाँ सर नहीं लगी थी, चालान होगा भाई। ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, हमारे यूपी की पुलिस सबसे बढ़िया है, कई स्टेट मैंने घूम लिए, चंडीगढ़ की पुलिस सबसे बेकार, उस सबसे बेकार है राजस्थान की, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ की, तीस नंबर पे दिल्ली की, और चौथे नंबर पता ना कहाँ है, अभी होगी तो बता देंगे। यूपी की सबसे बेस्ट है अपनी, और कश्मीर की पुलिस सबसे बेस्ट है भाई। कश्मीर की पुलिस भी किसी भी बाहर वाले बंदे को टच नहीं करती है, ना उससे पूछती सवाल, ना कुछ कहती है, बड़े शांत पुलिस है वहाँ की। हमारे यूपी की पुलिस बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बाहर की पुलिस ना गाड़ी देख के ऐसे लुटाई कर रही है कि आज का ब्लॉग ही पूरा पुलिस का हो गया, मेरे दिमाग की ऐसे से मार दी है पूरी। सरकार से कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन दे दो हमें 10-15 हज़ार का, जो पूरे साल का हमारा पेट ले लो पहले ही चालान का, और बाद में चालान ना हो, क्योंकि जो पुलिस वालों को तुमने इतनी छूट दे रखी है, वो कहीं भी चालान करते रहें और चालान की राशि ले रहे हैं अपने पर्सनल नंबर पर, मतलब ये चालान कर दो, कह रहे हैं चालान नहीं लिया, यहाँ पर यूपी में है वो, तो मतलब गुंडागर्दी का लेवल देखो, आप ये चालान यहाँ पर है ही नहीं यूपी में, अगर किसी का पैसे नहीं हो तो चालान कैसे करोगे उसका फिर। अबे क्या बात कर रहे, 200 पतंगे? हाँ 200 पतंग लेगा तू? हाँ। दुकान लगाया क्या? नहीं, कट जानी है बराबर हो जानी है, वहाँ कोई उतर किसी के पास टाइम थोड़ी नीचे खरीदने जाने का। भाई ये बोल रहा है कि 200 पतंगे मुझे लेनी है और अकेले मैं काट दूंगा और अपनी कटवा लूंगा, बांसवाड़ा में होता ही है, मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है बांसवाड़ा, जहाँ मैं हर साल पतंग उड़ने जाता हूँ। भाई इससे बड़ा परेशान हो गया हूँ, जयपुर में घुमा रहा मार्केट में, यहाँ से उसको लेनी है पतंगे, वो भी यार 200 पतंग अकेला आदमी कैसे उड़ा भाई, पतंग तो ले तो बहुत जा रहे हैं लोग, यहाँ पे फेस्टिवल बहुत तगड़ा होता है पतंग, अरे भाई सही करा है, यहाँ तो पतंग ही पतंग है, हमसे कहे थे हमारी मिलक में पतंग बनती है, हमारे रामपुर पतंग बनती है, अरे रामपुर के लिए मैं बोला था 100 रुपया को, 100 रुपया माने भाई, पतंग ही पतंग लगी पड़ी है, कौन सी लेनी थी ये ले लेंगे, यही 5, एक में कितनी है 20 100 हो गई है, देखो 2 चाहिए थी, 100 चाहिए थी, यहाँ पे सारी दुकानें पतंग है क्या, हैं कितनी दुकानें पतंग है यहाँ पे, बहुत है, इस दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, चालान हो गए 2, वो भी फ्री के चालान है, और बाहर की पुलिस तो ये सोचती कि बाहर का कोई बंदा अगर गाड़ी लेकर आया तो उसे लूट लो इतना लूट सको, और दूसरा ये देखो पतंगें पड़ी हैं हमारे रामपुर बरेली में, पतंग बनती है, पतंग हम यहाँ से ले रहे हैं जयपुर से, वो भी अब जयपुर में दुकान वाला हमसे खुद कह रहा था कि हमारे यहाँ जयपुर में खुद हमारे यहाँ पतंगे रामपुर बरेली से आती हैं, और एक दुकान पे बता रहा था कि 30-40 लाख की पतंगे सिर्फ एक दुकान पे आती है, और पूरी मार्केट में पतंगों ही काम था, अब लगाओ मतलब हमारा रामपुर बरेली तरक्की कर रहा है यार। तो गाइस अभी निकल रहे हैं फिलहाल पिंक सिटी जयपुर से, और इसमें तो पागल हो गए घूमते घूमते यार, ये बहुत बढ़िया शहर है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कंजेस्टेड बहुत है, भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया है, जहाँ भी जा रहे हो गाड़ी निकलवा रही है अंदर, किधर से भी निकल जाओ हर जगह यही आलम है, तो शहर बढ़िया है, बस अब बहुत अच्छा है, राजा महाराजाओं की यहाँ पे सल्तनत है पुरानी, और अच्छी अच्छी जगह देखने लायक है, सारी मार्केट एक सी दिखेगी आपको, सब कुछ सुंदर है लेकिन भीड़ बहुत है, और यहाँ की पुलिस बहुत बेकार है। तो गाइस अभी फ़िलहाल में है जयपुर, और हमें हो गए यहाँ पर 2 घंटे, क्योंकि हमारे लवली भाई यहाँ मिले हैं, लवली भाई हमें 2 साल के बाद मिले हैं आज, बिल्कुल राइट, 2 साल पहले हमें अजमेर मिले थे, बिल्कुल, तो यार भाई अगर मिले तो 2 घंटे तो बनते हैं ना उनके, तो हमारे साथ रतलामी भाई है, सौरभ भाई भी हैं, तो लवली भाई कैसा लग रहा है यार 2 साल के बाद मिलते हुए? बस भाइयों से मिले हैं 2 साल बाद मिल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, जो माका जो भाई लोग निकला है भाई यूपी का माका भाई लोग है और राजस्थान में पधारा है, तो आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ राजस्थान में, दिल्लू भैया को भाई 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 हिंदी हिंदी राजस्थान है नहीं हिंदी, अच्छा मेरी ऑडियंस हिंदी है, ओके 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 ओके, राजस्थान तो हम हिंदी में बात करते हैं, एक्चुअली आपको राजस्थानी नहीं समझ में आएगी या नहीं आ पाएगी, तो मैं हिंदी में बात करता हूँ आपसे, तो हमारे भाई लोग बता रहे हैं जयपुर में, तो हमने भाइयों को स्वागत किया है और दिल से स्वागत किया है, भाई लोग निकले हैं यूपी से सीधा बांसवाड़ा के लिए और जयपुर में अभी रुके हुए हैं भाई लोग हमारे, भाई लोग हमारे यूपी से हैं, दोनों ब्रदर हमारे ये, तो भाई पूरे भारत में अपने भाई हैं, अभी तो जस्ट घूमना स्टार्ट किया है, भारत के कोने कोने से हमारा कोई ना कोई भाई मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, और हम आपको दिखाते रहेंगे। 2 साल पहले भाई वेलकम है, साथ में मिले थे जब कभी, और 2 साल बाद भी हम साथ में ही मिले हैं, साथ में ही हैं, बिल्कुल सही बात है, तो अभी निकल रहे हैं फिलहाल में चित्तौड़, और भाई को यहाँ पे कर रहे हैं ड्रॉप, भाई का घर यहीं पे,
ससुराल है ना भाई आपके यहाँ पे? ससुराल है आप? बिल्कुल जयपुर में है ना, ससुराल भी जयपुर में है, रेजिडेंसी में ना जयपुर ही है, जयपुर ही है सब इनका। बिल्कुल बिल्कुल, तो जयपुर में कोई टेंशन नहीं है हमें। बाकी आप पुलिस ने चालान बहुत काटे यहाँ पे। बस भाई को याद करता था, संपर्क अपना मैं भूल गया था नंबर लगाना, लेकिन चलो बस कोई दिक्कत नहीं, 1500 रुपए का चलता है, कोई बात नहीं चलता। देखो बड़ा चालान होता, कोई बड़ी दिक्कत होती है तो फोन करते, चलता रहता। देखो देख रहो क्या ही रास्ता है इधर की यार, प्रतापगढ़ से निकलते ही, प्रतापगढ़ है ना ये, प्रतापगढ़ से निकलते ही क्या ही सुंदर रास्ता आई है, लेकिन पूरा वीराना है रास्ते में, कोई है ही नहीं, सिर्फ हम ही चल रहे हैं और पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अपने डेस्टिनेशन चेंज कर दी ना अपनी, चित्तौड़ की जगह बांसवाड़ा जा रहे हैं, बांसवाड़ा तो पहुंचने वाले भाई। यहाँ से रह गया है 40 किलोमीटर, रात के बज रहे हैं 3 और सुबह के 8 से चल रहे हैं भाई, रात का 3 बज गए। ऐसा हुआ था थोड़ी देर रुक भी गए थे, एक तो डिस्कवरी रुके थे L1L2 गूगल कर लेना इसको नहीं पता, और दूसरा हम रुके थे खाना खाने के लिए, तीसरा रुके थे हमारे अपने भाई मिले थे लवली भाई, उनकी मोहब्बत ने हमें रोक लिया। तो गाइस होटल हमारे यहाँ बुक है, तो फिलहाल में जा रहे हैं होटल, वो आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, और सुबह उठते दिखाते हैं कि पतंगे।